News 18, India. सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अहम सुनवाई हुई और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह चूटा का जो है जीत का जो है हासिल करवाई है। और इस वक्त हमारे साथ कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, बताइए कितनी बड़ी जो जीत मानते हैं आप? ये जीत बहुत बड़ी है जी। जैसे कि आपने देखे कि आज किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माननीय अदालत ने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो आज फैसला दिया है वो ऐतिहासिक फैसला है। और ये जीत जो है पूरे चंडीगढ़ वासियों की है, आप सभी मीडिया वाले भाइयों की है, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले ये बात को जो धांधली हुई थी उसे उजागर किया था। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूँ आप लोगों का जो आपने इतनी बड़ी आज जीत दिलवाई। जिस तरह से जो 30 तारीख को जो चुनाव हुए थे जिसमें जो है 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए थे और उनको लेकर जो है आज उन्हें जो है वोटों को जो है वो सही करार दिया गया है, तो उसको लेकर भी आप क्या सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो लोकतंत्र था उसे कुचलने की इनकी कोशिश थी। बाबा साहब का जो संविधान लिखा गया था जिसमें एक तहत लिखा गया था भी एक लोकतंत्र के तहत जो एक वोट का अधिकार है उसे गलत तरीके से इन्होंने खारिज किया और उसको आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा रखते हुए हमारा जो आज ये जीत का जो ऐलान किया है वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और सर, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर को जो लेकर जो अब दो और पद है उसको लेकर भी आपका आगे क्या करेंगे? उसके लिए तो नेचुरली बात है अब लड़ाई होगी, क्योंकि जो जिसने वो इलेक्शन करवाए वो वैलिड ही नहीं था, जो उसको उसके लिए उसने कैसे इलेक्शन करवाए क्योंकि वो उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं था। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो जीत के उम्मीदवार जो है कुलदीप सिंह, उनका साफ तौर से कहना है उनके लिए जो आज बड़ी जो है जीत का जो है दिन है।